Graphic designing is one of the most in-demand skills right now, with an earning potential in lakhs every month. And thanks to the creator economy, इस skill की demand आने वाले 10 सालों में बढ़ने वाली है और earning potential भी obviously बढ़ता रहेगा. And this video is basically an end-to-end guide on how you can learn graphic designing and make more than 1 lakh rupees every month. So, सबसे पहले समझते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर्स एग्जैक्टली करते क्या है. वेल, एज द नेम सजेस्ट, ग्राफिक डिजाइनर्स बेसिकली डिजाइंस क्रिएट करते हैं किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट, कंटेंट या इंटरफेस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप जितने भी वेबसाइट एंड ऐप डिजाइन देखते हो, जिसको हम लोग UI UX कहते हैं, ये ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं. या फिर अगर हम इलस्ट्रेशन की बात करें, लोगो डिजाइनिंग की बात करें, अब YouTube पे जो थंबनेल्स होते हैं, ये सारे भी ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं. सोशल मीडिया पोस्ट को डिजाइन करना, वेक्टर्स को क्रिएट करना, ये सारे काम कुल मिला के ग्राफिक डिजाइनर के होते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट इनकम सोर्सेज फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर एंड हाउ मच मनी यू कैन मेक. एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यूज है काम करने के. आप एक प्रोफेशनल जॉब कर सकते हो किसी कंपनी में एज अ ग्राफिक डिजाइनर, या फिर आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो. आप अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करके ऑनलाइन Etsy जैसी वेबसाइट से बेच सकते हो. आप अपने NFTs भी क्रिएट कर सकते हो. एंड फाइनली, एक बार आपको कम से कम 5-6 साल का एक्सपीरियंस मिल जाए, तो आप अपने खुद के कोर्सेज बना के भी सेल कर सकते हो ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग. और अगर मैं अर्निंग पोटेंशियल की बात करूं, तो अगर आप एक प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो एज अ UI UX डिजाइनर, तो आप देख सकते हो कि इंडिया में, बैंगलोर में, एवरेज बेस पैकेज 6 लाख रुपीस पर ईयर का एक UI UX डिजाइनर का. वेरैज अगर मैं प्रोडक्ट डिजाइनर रोल की बात करूं, तो इंडिया में यू कैन अर्न एन एवरेज सैलरी ऑफ रुपीस 10-12 लाख पर एनम एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं. और अगर हम फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर्स की बात करें, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका स्किल लेवल कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, और आपका कितना बड़ा क्लाइंट और नेटवर्क है. लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, तो अगर आप डिसेंट ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो एज अ बिगनर अगर आप एक थंबनेल डिजाइनर है, तो 500-2000 रुपीज पर थंबनेल चार्ज कर सकते हैं. अगर आप लोगो डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो यू कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन 800-2000 रुपीज फॉर वन लोगो. मर्चेंडाइज डिजाइनिंग की बात करें, जो टी शर्ट्स डिजाइन करते हैं, तो आप 3-5000 रुपीज चार्ज कर सकते हैं. जबकि अगर मैं सोशल मीडिया पोस्ट को डिजाइन करने की बात करूं, तो 500-2000 रुपए आप चार्ज कर सकते हैं. बट रिमेंबर, ये सिर्फ एक एवरेज रेंज है ग्राफिक डिजाइनर्स की इंडिया में. आपको इससे कम भी मिल सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं. कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके खुद के स्किल पे और आपके एक्सपीरियंस पे. इसके अलावा आप Etsy जैसी वेबसाइट्स पे अपने खुद के डिजिटल टेम्पलेट्स क्रिएट करके भी बेच सकते हो. आप ईमेल टेम्पलेट्स बना सकते हो, रेज्यूमे टेम्पलेट्स बना सकते हो, बिजनेस कार्ड टेम्पलेट्स बना सकते हो. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे एक क्रिएटर ने एक सिंगल ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करके 1 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए हैं. नाउ ऑब्वियसली ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है हर कोई 1 करोड़ रुपए कमा लेगा, बट आई थिंक यू गेट माय पॉइंट. सो ओवरऑल, अगर आप एक बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर है, यू कैन एक्सपेक्ट मेकिंग 30,000-50,000 रुपीज पर मंथ अगर आपके डिसेंट स्किल लेवल है. एंड दिस अर्निंग कैन गो ओवर 1 लाख रुपीज एवरी मंथ अगर आप एक जॉब करते हैं अच्छी जगह पे एज अ UI UX डिजाइनर या प्रोडक्ट डिजाइनर. और एक बार आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाए, आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनते हैं और आप फ्रीलांसिंग करनी शुरू कर देते हैं, तो आप तो 10 लाख रुपए पर मंथ भी कमा सकते हो. कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल लेवल एंड योर एक्सपीरियंस. और इस वीडियो में तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी देर आर मेनी मोर वेज टू मेक मनी इन दी क्रिएटर इकोनॉमी. और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है. सो इसके बाद ये वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना. सो मूविंग ऑन, चलिए बात करते हैं कि एज अ बिगनर ग्राफिक डिजाइनर आपको कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए. आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप एक बिगनर ग्राफिक डिजाइनर हो, तो आपको कोई भी हाईफाई सॉफ्टवेयर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए. कोई भी पेड सॉफ्टवेयर भी स्टार्टिंग में नहीं लेने की जरूरत है. शुरुआत में आपको कैनवा यूज करना चाहिए. कैनवा इज एन अमेजिंग वेबसाइट जहां पे आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राफिक डिजाइन क्रिएट कर सकते हो और ग्राफिक डिजाइनिंग धीरे धीरे करके सीख भी सकते हो. कैनवा एक बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए. वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यूज केसेस के टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है, जिनको यूज करके आप अपना ग्राफिक डिजाइनिंग जर्नी स्टार्ट कर पाओगे. और ऐसा नहीं है कि कैनवा सिर्फ बेसिक्स के लिए यूज होता है. बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ कैनवा पे ग्राफिक डिजाइनिंग करके भी बहुत सारे पैसे कमा रहे हर महीने. लेकिन कैनवा के भी बहुत सारे लिमिटेशंस है. कैनवा कोई परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, और इसीलिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसको आप कुछ स्पेशलाइज ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग OG ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, Adobe फोटोशॉप, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो. आप नॉर्मल इमेज एडिटिंग कर सकते हो, आप थंबनेल एडिटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट सकते हो. बहुत ही वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर है ये.
इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज एडोबी इलस्ट्रेटर. इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप में बहुत सारे सिमिलर टूल्स एंड फंक्शंस है, बट इलस्ट्रेटर का प्राइमरीली यूज किया जाता है वेक्टर इमेजेस क्रिएट करने के लिए. देन यू कैन ऑल्सो यूज फिग्मा एंड स्केच अगर आपको यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करनी है, वेब इंटरफेसेस बनाने हैं, ऐप डिजाइनिंग सीखनी है. और इनके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जैसे कि एडोबी इन डिजाइन, एडोबी एक्सडी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जो कि स्पेशलाइज यूज केसेस के लिए अच्छे है. बट स्टार्टिंग में आई विल हाईली रिकमेंड कि आप कैनवा और एडोबी फोटोशॉप से स्टार्ट करो, फिर जिस चीज में आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसका आप स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर ढूंढो और उसको मास्टर करना शुरू करो. सो मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखोगे कैसे. हाउ विल यू लर्न हाउ टू मेक अमेजिंग ग्राफिक डिजाइंस? The best and free platform to learn graphic designing या in fact any skill is YouTube. YouTube पे बहुत सारे playlist available है जिसपे आप graphic designing सीख सकते हो. आप सिंपली सबसे पहले पिक करो कि आपको कौन सा टूल या सॉफ्टवेयर यूज करना है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, फिर YouTube पे सर्च करो उसकी कोई अच्छी playlist और उस playlist को end to end complete कर लो. और आपकी हेल्प करने के लिए मैंने कैनवा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा और स्केच इनके कुछ अच्छे प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो आप सिंपली उनको स्टार्ट कर सकते हो. फिर एक बार आपने प्लेलिस्ट एंड टू एंड खत्म कर दी, उसके बाद आप अपने खुद के डिजाइंस क्रिएट करना शुरू करो, नए नए स्किल्स सीखना शुरू करो और नए नए डिजाइंस क्रिएट करो अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए. आप अपने खुद से YouTube थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपका वेक्टर्स में इंटरेस्ट आ रहा है वेक्टर्स क्रिएट कर सकते हो. आपको Instagram कैराउजल्स डिजाइन करने में इंटरेस्ट आ रहा है तो खुद से Instagram कैराउजल्स बनाओ, लोगो डिजाइंस करो. या फिर अगर आपको UI UX डिजाइनिंग करनी है तो खुद से आप अपने डिजाइंस क्रिएट करके प्रैक्टिस करना शुरू करो बेसिकली स्टार्टिंग में. एंड साइड बाय साइड आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की थ्योरी एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी गेन करनी स्टार्ट करनी चाहिए. आपको कलर थ्योरी के बारे में पढ़ना चाहिए, आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स पढ़ने चाहिए. और गाइस यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे हर हफ्ते ही मेकिंग मनी रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना. सो एक बार आपने सॉफ्टवेयर चूज कर लिया, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी शुरू कर दी, अब बात करते हैं कि आप अपना ग्राफिक डिजाइनिंग पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करोगे. और ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इस पार्ट को स्किप नहीं करना. और आपको अपने इस पोर्टफोलियो में बेसिकली अपने ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क को शोकेस करना है. एक बार आपको क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे तो आप वो क्लाइंट वर्क डिस्प्ले कर सकते हो पोर्टफोलियो में. बट जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, डोंट वरी, आप जितना भी ये प्रैक्टिस करते हो, डिजाइन क्रिएट कर रहे हो, उसका पोर्टफोलियो बना सकते हो. एंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप अपनी एक पर्सनल वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर ड्रिबल और बिहेंस बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे कि ग्राफिक डिजाइनर्स अपना पोर्टफोलियो शोकेस करते हैं. एंड अगर आपको बिल्कुल सिंपलिस्टिक अप्रोच चाहिए पोर्टफोलियो बनाने का, तो आप सिंपली गूगल ड्राइव भी बना सकते हो, गूगल ड्राइव फोल्डर में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो. एंड प्लीज 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 डोंट वेट फॉर योर फर्स्ट क्लाइंट टू स्टार्ट मेकिंग योर पोर्टफोलियो. ऐसा मत सोचो कि जब मेरे पास पहला क्लाइंट आएगा तभी मैं अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करूंगा जब मुझे क्लाइंट वर्क मिलेगा. आप सिंपली एक इमेजिनरी क्लाइंट इमेजिन करो और उसके लिए डिजाइन क्रिएट करने शुरू करो. ये आपको आपके पोर्टफोलियो बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा और आपको प्रैक्टिस करने में भी हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप थंबनेल डिजाइनिंग करना चाहते हो तो सिंपली क्रिएट अ थंबनेल फॉर योर फेवरेट क्रिएटर. या फिर अगर आप लोगो डिजाइनिंग करना चाहते हो तो कोई भी अपनी फेवरेट कंपनी उठा लो, आप पेटीएम पिक कर लो, फ्लिपकार्ट पिक कर लो, नाइका पिक कर लो और अपने हिसाब से इनका लोगो रीडिजाइन करो और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो. या फिर आप अपनी फेवरेट ऐप स्विगी, जोमैटो या फिर कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ऐप का एक नया यूआई यूएक्स डिजाइन कर सकते हो अपने हिसाब से और उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो. और इसके तीन फायदे हैं, एक तो आपका पोर्टफोलियो बनेगा, सेकेंडली आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा और थर्डली आप जिस इमेजिनरी क्लाइंट को सोच के बना रहे थे उस क्लाइंट को आप एक्चुअली ये काम भेज सकते हो और अगर उनको पसंद आया मे बी ही माइट स्टार्ट वर्किंग विद यू. इनफैक्ट वन ऑफ माई ओन थंबनेल डिजाइनर सुमित कुमार रिक्रिएटेड वन ऑफ माई ओल्ड वीडियोज थंबनेल एंड पोस्टेड अबाउट इट ऑन लिंक्डइन. और मुझे वो थंबनेल डिजाइनिंग पसंद आई, मुझे बहुत पोटेंशियल दिखा सुमित में, इसीलिए आई रीच्ड आउट टू हिम एंड ऑनबोर्डेड हिम इन माई टीम. सो दिस अप्रोच डेफिनेटली वर्क्स. सो फाइनली एक बार आपने सॉफ्टवेयर पिक कर लिया, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना भी स्टार्ट कर दिया, लेट्स टॉक अबाउट हाउ विल यू फाइंड योर फर्स्ट क्लाइंट एंड स्टार्ट मेकिंग मनी. फर्स्टली आपने सुना होगा कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, 99 डिजाइंस, ये बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स है फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए, विच इज़ ट्रू. लेकिन एज अ बिगनर इन वेबसाइट्स पे क्लाइंट्स ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसीलिए आई डू नॉट रेकमेंड कि बिगनर्स को इन प्लेटफॉर्म्स पे रिलाई करना चाहिए. इंस्टेड मैं आपको दो बेटर तरीके बताऊंगा टू फाइंड योर फर्स्ट पेड क्लाइंट. द फर्स्ट वे इज टू सिंपली फाइंड पीपल हु आर लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स.
और LinkedIn इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सिंपली LinkedIn पे जाके सर्च करो लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर, आपको बहुत सारे लोगों के पोस्ट मिल जाएंगे जो कि ग्राफिक डिजाइनर्स ढूंढ रहे हैं। या फिर अगर आपको एक स्पेसिफिक यूज केस में चाहिए तो सर्च करो लेट्स से लुकिंग फॉर अ लोगो डिजाइनर, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि एक लोगो डिजाइनर ढूंढ रहे हैं। LinkedIn के अलावा Facebook, Reddit एंड Twitter आर ऑल्सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स टू फाइंड सच पीपल। फिर आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली उन लोगों को रीच आउट करो, उनको बताओ कि यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर देम, अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, उनकी रिक्वायरमेंट समझो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग अमेजिंग डिजाइन्स फॉर देम। एंड द सेकेंड वे इज टू सिंपली सेंड कोल्ड ईमेल्स टू योर फेवरेट क्रिएटर्स एंड ब्रांड्स। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोल्ड मेलिंग डजंट वर्क, फालतू की मेहनत करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स दैट आई एम वर्किंग विद, उन्होंने सिंपली मुझे कोल्ड ईमेल भेजा था विद देयर पोर्टफोलियो अटैच्ड एंड नाउ वी आर वर्किंग टुगेदर। सो आप भी अपना फेवरेट क्रिएटर पिक कर लो, उनके लिए कुछ डिजाइंस बनाओ। अगर कोई इंस्टाग्राम क्रिएटर है तो उनके लिए आप इंस्टा रील्स के कवर्स बनाओ या कैराउजल पोस्ट बनाओ। अगर कोई यूट्यूब क्रिएटर है तो उनके लिए थंबनेल्स बनाओ और उनको भेजो। एंड प्लीज 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 डोंट यूज फ्रेजेस लाइक प्लीज गिव मी वर्क, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड आई कंप्लीटली सिंपथाइज विद यू। लेकिन अगर आप ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस यूज करते हो वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल साउंड नहीं करता और आपके चांसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे उस क्रिएटर के साथ काम करने के। और एक और सवाल जो बहुत बिगनर्स के दिमाग में आता है वो है कि एज अ बिगनर हमें कितना चार्ज करना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं कि एज अ बिगनर आप सिंपली अपने क्लाइंट से पूछो कि उनका कितना बजट है और उस बजट में काम करके दे दो। क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप थोड़ी बहुत अर्निंग भी करोगे अच्छा है, और धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा कि आपको कितना चार्ज करना चाहिए। सो शुरुआत में सिंपली आस्क योर क्लाइंट कि आपका कितना बजट है और उस बजट में काम कर दो। और गाइस इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको और कौन से स्किल या करियर ऑप्शन पे कंप्लीट एंड टू एंड रोड मैप वीडियो चाहिए, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होगी मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।